हेलो फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं रिगार्डिंग अवर कंसिडरेशन। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एज यूजुअल हमने अब तक जो जो देखा कंसिडरेशन में वो हम लोग फटाफट रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था सेक्शन 2 सबसेक्शन डी, जिसके अंदर कंसिडरेशन का मीनिंग छुपा हुआ था। तो उसमें क्या बोला गया था बच्चों, व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेंट फ्रॉम डूइंग और डज और एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग और प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेंट फ्रॉम डूइंग सच एन एक्ट और एब्सटेंस विल बी कॉल्ड एज व्हाट यू आर कंसिडरेशन। याद है सबको? अच्छा, फिर इसके बाद हम लोगों ने इसेंशियल एलिमेंट देखने स्टार्ट किए थे कंसिडरेशन के। तो जिसमें पहला इसेंशियल एलिमेंट देखा था कंसिडरेशन मस्ट मूव या कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। मतलब जो कंसिडरेशन डिसाइड होनी चाहिए वो किसके डिजायर पे होनी चाहिए बताना, आपके प्रोमिसर के डिजायर पे होनी चाहिए। ओके, तो अगर आपको याद होगा तो इसमें हमने केस लॉ इसमें पहले तो एक एग्जांपल देखा था। जैसे आप लोग जा रहे हो, मान कहीं पे आग लगी हुई है और आपने क्या किया, उस आग में कूद के गुड्स आपने बाहर निकाल लिया। आपको शॉपकीपर ने बोला नहीं था बट फिर भी आप लोग अंदर घुसे और अंदर से गुड्स लेके आए। तो मेरे को एक बात बताना, वेदर यू आर एबल टू रिकवर द रिवॉर्ड और नॉट, क्या आप इनाम मांग सकते हो क्या? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि वह डिजायर नहीं थी किसकी बताना, उस पर्टिकुलर प्रोमिसर की। देने वाले ने ऐसा बोला ही नहीं, अपनी इच्छा ही व्यक्त नहीं कि भाई जाके निकाल तो रिवॉर्ड कहे का मिलेगा। क्लियर हो गया? वैसे एक केस था दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, आप सबको आई होप याद होगा, मैं शॉर्ट शॉर्ट में फटाफट आपको रिकॉल करा के देता हूँ। ओके, दुर्गा प्रसाद नाम का एक कॉन्ट्रैक्टर था, तो उसको एक कलेक्टर ने रिक्वेस्ट करी थी कि ये मार्केट यार्ड पुराना हो गया है, इसको क्या कर देना, रिपेयर करके दे देना। तो अकॉर्डिंगली दुर्गा प्रसाद ने क्या किया, मार्केट यार्ड पूरा रिनोवेट कर दिया। अकॉर्डिंगली कलेक्टर ने उसको एक बात और भी बोला था कि जब तू ये रिनोवेट कर देगा तो वहां पे जो भी इसके शॉपकीपर्स है ये तेरे को क्या करेंगे, अपने सेल्स में से कुछ एक परसेंटेज एज अ कमीशन बोल के दे देंगे। ओके, तो दुर्गा प्रसाद ने पूरा मार्केट यार्ड जो था वो क्या कर दिया बताना, रिनोवेट कर दिया। जब बात पैसे देने की आई, सेलिंग कमीशन देने की आई, तो उसमें बलदेव ने क्या किया बताना, सेलिंग कमीशन देने से रिफ्यूज कर दिया। ओके, अच्छा, फिर कोर्ट में वो चले गए। कोर्ट में जाने के बाद डिसीजन किसके फेवर में है बताना, उस बलदेव के फेवर में है। क्यों? कोर्ट ने एक ही बोला कि यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये जो मार्केट यार्ड रिनोवेट हुआ था ये किसके डिजायर पे रिनोवेट हुआ था, कलेक्टर के डिजायर पे रिनोवेट हुआ था। और पैसे देने वाले यहाँ पे कौन है, प्रोमिसर कौन थे बताना, ये पर्टिकुलर बलदेव। तो बात ये हुई, अगर बलदेव के डिजायर पे तुमने मार्केट यार्ड अगर वहां पे बनाया होता तो बलदेव को वहां पे कमीशन देना पड़ता था, बट क्योंकि उसके डिजायर पे था ही नहीं तो यहाँ पे क्या होगा बताना, केस कौन जीत गया, बलदेव जीत गया। तो ये आपने फर्स्ट पॉइंट देखा। फिर इसके बाद हमने सेकंड पॉइंट देखा था बच्चों, कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, या तो प्रोमिसी से मूव हो सकती है या किसी थर्ड पर्सन से भी कंसिडरेशन मूव हो सकती है। बात समझ में आ रही है आपको? जैसे हमने एक केस लॉ भी देखा था चिन्नैया वर्सेस रमैया, याद है सबको, एक ओल्ड लेडी थी, उसने अपने डॉटर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी लेकिन एक एग्रीमेंट दिखा के लिया था उससे कि तूने क्या करना, कुछ एन्युइटी जो रहेंगी वो मेरे ब्रदर को देते रहना। ओके, अब ये जो बात हो गई, एग्रीमेंट डिसाइड हो गया, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी ओल्ड लेडी ने, लेकिन इस डॉटर ने क्या किया बताना, फिर पैसे देने से मना कर दिया। तो फिर उस पर्टिकुलर अंकल ने केस फाइल कर दिया कि ये बच्ची मुझे पैसे नहीं दे रही है। तो हु वोन द केस हियर, अंकल वोन द केस हियर। बच्ची का कंटेंशन क्या था, रमैया का कंटेंशन वहां पे क्या था, वो एक ही बात बोल रही थी कि यहाँ पे मैं तो इनको पैसे दे रही हूँ बट बदले में मुझे कुछ नहीं मिल रहा, तो यहाँ कंसिडरेशन है ही नहीं, तो कंसिडरेशन नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। बात समझ में आई? तो फिर बाद में क्या कोर्ट ने डिसाइड किया कि भाई कंसिडरेशन जो है जरूरी नहीं है कि ये प्रोमिसी से ही वहां पे जाए, अगर प्रोमिसी के प्लेस पे जैसे वहां पे ओल्ड लेडी ने जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी दैट विल ऑल्सो बी रिगार्डेड एज व्हाट, कंसिडरेशन। ओके, तो इतने हमने दो इंपॉर्टेंट केस लॉज और दो पॉइंट्स देख के रखे थे। अब हम लोग और कुछ एसेंशियल्स देखने जाते हैं। ठीक है, तो इसेंशियल में और क्या है, कंसिडरेशन कंसिडरेशन इज एन एक्ट। देखो एक बात बता देता हूं मैं, अगर आप मॉड्यूल देखोगे तो मॉड्यूल में मैंने जो कल के दो पॉइंट बताए वो इसेंशियल एलिमेंट्स में है। ओके, लेकिन जहां डेफिनेशन है तो डेफिनेशन में उसने क्या करके रखा है बच्चों, उसने पूरे डेफिनेशन को एनालाइज किया तो वहां पे जो जो पॉइंट्स निकलते वो भी साइड में निकाले। ठीक है, मैं इसेंशियल एलिमेंट का चालू तो कर दिया था, दो इसेंशियल एलिमेंट्स ही पढ़ाया, बट एक बात बताता हूं, इसेंशियल एलिमेंट्स और वो डेफिनेशन के एनालाइज के एक एक लाइन के पॉइंट जो है वो सेम है।
जैसे हमने कल देखा एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर होना चाहिए, मे मूव फ्रॉम प्रोमिसर थर्ड पर्सन होना चाहिए, वो एनालिसिस ऑफ डेफिनेशन में एक एक लाइन में है और एसेंशियल एलिमेंट पे उस पर केस लॉज और उसका पूरा डिटेल वो सब चीजें वहां पे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों को मर्ज करके एक साथ ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो अब ये जो पॉइंट देख रही है वैसे एसेंशियल एलिमेंट का नहीं है, ये एनालिसिस ऑफ डेफिनेशन का ही पॉइंट है जो मैं इसी में कवर करके आपको बता दे रहा हूं। बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, तो जहां तक रहा सवाल, अगर मान लो क्वेश्चन आ गया एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशन, तो आप क्या लिखोगे? तो कुछ नहीं, जो मॉड्यूल में सेपरेट हेडिंग में वो आप लोग लिखोगे, ये पॉइंट आप लोग एसेंशियल एलिमेंट में नहीं लिखेंगे। बट क्योंकि ये डेफिनेशन में आया हुआ था, एनालिसिस में भी है, तो मैं उसको क्या कर रहा हूं, कवर कर ले रहा हूं इधर ही। समझ में आ गई बात? ठीक, देखो कंसिडरेशन इज एन एक्ट। देखो कंसिडरेशन, हम अगर पूरी डेफिनेशन पर ध्यान दें कंसिडरेशन के, तो कंसिडरेशन के डेफिनेशन में क्या आ रहा था, हैज डन और एब्सटेंट फ्रॉम डूइंग और डज और एब्सटेंट फ्रॉम डूइंग। तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी, कंसिडरेशन कुछ करने के लिए भी हो सकती है या कुछ ना करने के लिए भी हो सकती है। जब जब वर्ड एब्सटिनेंस आता है उसका मतलब होता है रुकावट, स्टॉपिंग समथिंग, है ना। एब्सटेन फ्रॉम डूइंग का मतलब होता है टू स्टॉप फ्रॉम समथिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आप कंसिडरेशन की बात कर रहे हो तो कंसिडरेशन कुछ करने के लिए भी दी जा सकती है और कुछ ना करने के लिए भी दी जा सकती है। ओके, जैसे आपके पास में सेलफोन है, मैंने आपको बोला यार मेरे को सेलफोन आपका चाहिए 4000 में भेज दे, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने मुझे भेज दिया, तो मैं आपको 4000 तो दे रहा हूं, लेकिन काहे के लिए 4000 दे रहा हूं, कुछ करने के लिए दे रहा हूं। क्या करने के लिए दे रहा हूं, सेलफोन बेचने के लिए मैं आपको 4000 दे रहा हूं। बात समझ में आ गई है? तो कंसिडरेशन इज एन एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग, कुछ करने के लिए भी कंसिडरेशन दी जाती है। आप पेट्रोल भराने जाते हो, पेट्रोल वाले को बोलते हो भाई पेट्रोल भरा दे, उसने पेट्रोल भराया, आपने उसको चुपचाप पैसे दे दिए। मेरे को एक बात बताओ, आपने जो कंसिडरेशन दी वो किसके लिए दी, फॉर डूइंग समथिंग, उसने कुछ तो भी किया, इसके लिए आपने उसको क्या दिए, पैसे दिए, उसने पेट्रोल भराया, आपने बदले में उसको पैसे दे दिए। बात समझ में आ गई आपको? तो बात याद रखना है, कंसिडरेशन इज एन एक्ट, एक्ट हो सकता है एक्ट, या हम लोग बोल सकते हैं फॉर डूइंग समथिंग, कुछ करने के लिए क्या दी जा सकती है बताना, कंसिडरेशन दी जा सकती है। और वैसे ही कंसिडरेशन कैन बी फॉर एब्सटिनेंस ऑल्सो, फॉर एब्सटिनेंस ऑल्सो, मतलब कुछ ना करने के लिए भी कंसिडरेशन दी जा सकती है। मैं ये दोनों पे क्रॉस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये एसेंशियल एलिमेंट में नहीं है, लेकिन जो हमने डेफिनेशन देखी तो डेफिनेशन के एनालिसिस में आपको ये दो पॉइंट मिलेंगे, मैंने उनको एसेंशियल्स में खींच लिया। ओके, तो जब अगर आप एसेंशियल एलिमेंट के आंसर लिखोगे तो ये दो पॉइंट वहां पे नहीं लिखने हैं आपको। समझ में आए? ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग ये दो पॉइंट देख रहे हैं। कंसिडरेशन कैन बी फॉर एब्सटिनेंस, कुछ ना करने के लिए भी तो कंसिडरेशन दी जा सकती है। बात समझ में आ रही है आपको? जैसे बहुत सीधी से एग्जांपल देता हूं मैं आपको। देखो बच्चों, आपने मान लीजिए कोई पर्टिकुलर घफला करके रखा हुआ था, घफला बोलो या सीधे सीधे बोलो भाई, आपने एक रोड एक्सीडेंट कर दिया, आपकी गलती की वजह से एक एक्सीडेंट हुआ है और सामने वाले को काफी इंजुरी पहुंची है। काय की वजह से, आपके उस एक्सीडेंट या आपकी उस गलती की वजह से सामने वाले को इंजुरी पहुंची है, और वो गलती आपको भी पता है कि अपने ही हाथ से हुई है और बाकी की पब्लिक ने भी देख लिया कि भाई अपनी ही गलती है, तो डेफिनेटली ऐसे टाइम को वहां पे झगड़ा करते बैठेंगे या इज्जत से वहां पे पैसे वैसे देने की बात करेंगे, तो किसी के भी दिल से आवाज निकल जाती है सर सेटलमेंट करो और भाग जाओ यहां से। बात समझ में आ रही है आपको? तो आपने क्या किया, जिस पार्टी को इंजुरी पहुंची तो उसको आपने जाके बोला कि यार देख भाई, मैं पहले तो सॉरी बोल दोगे, फिर डेफिनेटली आप लोग उसको क्या बोलने वाले हो कि यार अगर समझ तू कोर्ट वोट में जाएगा, ये लफड़े वफड़े करेगा तो तेरा भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी होगा, एक काम कर, ये इतना पैसा ले, तेरा जो भी इंजरी हो रहा है तो इसका मेडिकल का एक्सपेंडिचर मैं देता हूँ, जो तेरी गाड़ी को जितना भी हार्म हुआ है, ये डैमेज हुई है गाड़ी, वो भी मैं रिपेयर करा के तुझे दे दूंगा और बदले में थोड़े और पैसे दे देता हूँ, बट ये कोर्ट वोट के चक्कर में नहीं जाते। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, आप यहाँ पे पैसा तो दे रहे हो, बट काय के लिए पैसा दे रहे हो, कुछ ना करने के लिए दे रहे हो। आप अगर उसको पैसा दोगे तो डेफिनेटली काय के लिए दोगे, यहाँ पे कुछ ना करने के लिए, कोर्ट में ना जाने के लिए, पुलिस स्टेशन में ना जाने के लिए आप लोग उसको पैसा देने वाले हो। बात समझ में आ रही है आपको? तो बोलने का मतलब ये हुआ, कंसिडरेशन
कोई एक्ट के लिए भी हो सकता है, फॉर डूइंग समथिंग भी हो सकता है, और फॉर एब्सटेनिंग फ्रॉम समथिंग भी हो सकता है। कुछ ना करने के लिए भी क्या दी जा सकती है, कंसिडरेशन दी जा सकती है। ओके, तो ये दो पॉइंट हमारे उस पर्टिकुलर डेफिनेशन से निकल के आते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ठीक है, तो आपको ये दो पॉइंट अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, ओके। अब देखो बच्चों, अब जो बचे हुए एसेंशियल एलिमेंट्स हैं हमारे कंसिडरेशन के, या एक कंसिडरेशन को वैलिड कंसिडरेशन बनाने के लिए जो एसेंशियल्स है उसको मैं थोड़ा आगे पीछे करता हूँ सिंपलिसिटी के लिए, बाकी और कोई मेरा रीजन नहीं है। ठीक है, मॉड्यूल में देखोगे तो सीक्वेंस चेंज मिलेगा, मैं सिर्फ आपकी सिंपलिसिटी के लिए कर रहा हूँ। तो आई होप आपको ये दो चीजें समझ होगी। कल हमने दो एसेंशियल देखे थे, कौन से दो एसेंशियल देखे थे? सबसे पहले हमने देखा था कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसर के इच्छा के हिसाब से कंसिडरेशन होनी चाहिए। फिर सेकेंडली हमने क्या बोला था, कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, या तो प्रोमिसी से मूव हो सकता है या किसी थर्ड पार्टी से भी कंसिडरेशन आपकी मूव हो सकती है। ये दो बातें देखी थी। आज हमने ये दो पॉइंट देखे जो डेफिनेशन के दो पॉइंट है। कौन से दो पॉइंट? कंसिडरेशन कैन बी फॉर एन एक्ट, एक एक्ट के लिए भी हो सकती है कंसिडरेशन, और कुछ नहीं करने के लिए भी हो सकती है कंसिडरेशन। कैन बी फॉर एब्सटिनेंस ऑल्सो, एब्सटिनेंस के लिए भी वहां पे क्या हो सकती है, आपकी कंसिडरेशन हो सकती है। ये इतनी बातें हमने देख के रखी है। ठीक है, अब इसमें हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और जैसे मैं बोल रहा हूं मैं सीक्वेंस थोड़ा बहुत आगे आगे पीछे करता रहूंगा। क्लियर हो गई बात सबको? ओके, अब देखो बच्चों, हम लोग देखते हैं, अब ये यहां से वापस एसेंशियल एलिमेंट चालू कर रहा हूं। एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन एंड एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन, एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन और एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। अब बचो, नाम तो सुने सुने लग रहे होंगे, एग्जीक्यूटेड, फिर उसके बाद में एग्जीक्यूटरी। आई होप आपको सब याद आ रहा होगा, है ना? हमने ये कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स में देखा था ना बच्चों, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, आपको अच्छे से याद भी आ रहा होगा, रिमेम्बरिंग वेल। अब मुझे एक बात बताओ, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या था? अगर मैं पास्ट में जाऊं और जाके बोलू एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग, तो क्या था बताना? तो जब आपकी कंसिडरेशन दोनों पार्टी से मूव हो जाती है, याद करो, दोनों पार्टीज ने कंसिडरेशन मूव कर दी और कॉन्ट्रैक्ट वहीं पर रफा दफा कर दिया, इट इज कॉल्ड एज योर एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। याद आ रहा है सबको? और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या था, याद करना, मैंने बोला था जब कंसिडरेशन इज टू बी परफॉर्म बाय बोथ द पार्टीज, मतलब ऑब्लिगेशन जो है दोनों पार्टीज के पेंडिंग है, दोनों पार्टीज की कंसिडरेशन अभी तक मूव नहीं हुई है, तो उसको हम लोग कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ओके, तो उसी के बेसिस पे बचो, हम बोल सकते हैं कि कंसिडरेशन एग्जीक्यूटेड भी हो सकती है और एग्जीक्यूटरी भी हो सकती है। ओके, एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन कब बोला जाएगा? तो जब आप परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट कर दोगे, व्हाट आई एम टेलिंग यू, परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट कर दोगे, तो जाके वो कंसिडरेशन क्या, कौन सी बन जाएगी? एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन बन जाएगी। जैसे परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट क्या, किसको बोलेंगे? जैसे आपने जो एक्ट करना था वो कर डाला, तो इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन। जैसे आप लोग मान लीजिए डेरी मिल्क लाने चले गए, ओके, सिल्क लाने चले गए, आपने पैसा दिया और सिल्क उठाई। मुझे एक बात बताओ, यहां पे आपका क्या हो चुका था? यहां पे आपकी कंसिडरेशन, या मैं बोलूंगा परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट जो था वो आपने कर डाला था, है ना? आपने पैसे दिए, सामने वाले ने डेरी मिल्क दे दी, आपने पेट में भी डाल दिया। बात समझ में आ रही है आपको? तो बोलने का मतलब क्या हुआ, जब मेरी परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन। और दूसरी बात, जब आपकी कंसिडरेशन, या मैं बोलूंगा परफॉर्मेंस आपका होना बाकी हो, वेन एवर योर परफॉर्मेंस इज पेंडिंग, ऑब्लिगेशन इज पेंडिंग टू बी परफॉर्म, उस पर्टिकुलर केस में आप लोग बोलने वाले हो कि आपकी कंसिडरेशन कौन सी है बताना? एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन है। ओके, तो जहां पे प्रॉमिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट हो, ओके, क्या बोल रहा हूं मैं, जहां पे प्रॉमिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट हो, तो इसको क्या बोलेंगे बताना? एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। प्रॉमिस का मतलब क्या हो गया?
मतलब आप फ्यूचर में परफॉर्म करने वाले हो। जैसे मान लीजिए लेट से आपको वेट लेने थे, तो आपने एक पर्टिकुलर बंदे को पहले से बोला कि यार मैं 1 month के बाद तेरे पास से वेट लेके जाऊंगा, तो तू इतना इतना ये प्राइस पे वेट बाजू में निकाल के रख, मैं तेरे को बाद में पैसे दे दूंगा, 1 month के बाद पैसे दे दूंगा। ओके, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे आपके पार्ट पे प्रॉमिस हुआ है, है ना? प्रॉमिस क्या हुआ है? कंसिडरेशन देने का प्रॉमिस हुआ है। क्या यहाँ पे कंसिडरेशन आपने दे डाली? क्या नहीं दी? तो ये क्या हो जाएगा बताना? एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन कैन बी एग्जीक्यूटेड एंड कंसिडरेशन कैन बी व्हाट? एग्जीक्यूटरी। नाम से ही समझता है, एग्जीक्यूटेड बोले तो जहां परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट हो चुका है तो उसको क्या बोलते बताना? इसको हम लोग बोलेंगे एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन। और एग्जीक्यूटरी किसको बोलेंगे? जहां पे प्रॉमिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट हो, है ना? तो मतलब आप जो एक्ट करने वाले हो उसका बस प्रॉमिस हुआ है, मतलब आप फ्यूचर में परफॉर्म करने वाले हो, तो उसको बोलेंगे एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। तो ये प्रॉमिस का मतलब यहाँ पे क्या होगा? जो आप लोग फ्यूचर में परफॉर्म करोगे, है ना? तो ये हो जाएगी आपकी एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, है ना? देखो काफी लोग को लॉ के मैंने जो पेपर्स देखे हैं, तो बहुत लोगों की जो वर्डिंग है वो ऐसी वर्डिंग आते हैं जो मैं यहाँ पे नोट्स में लिखा था। डेफिनेटली नोट्स में यहाँ जो मैं लिखा रहा हूँ वो भी मॉड्यूल की ही वर्डिंग है, बट उसमें कुछ कुछ ओन वर्ड्स भी आ जाता है। देखो जैसे यहाँ पे प्रॉमिस लिखा है, मॉड्यूल में आपको यही मिलेगा कि प्रॉमिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट हुआ तो वो एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन बनती है। बट अभी मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे ऐसे फ्यूचर वगैरह लिख रहा हूँ, है ना? कुछ कुछ बच्चे हैं तो वो कभी कभी शायद यहाँ पे फ्यूचर डाल देते हैं। होप सो ऐसा भी हो सकता होगा कि वो बच्चे मतलब जो टेस्ट दे रहे थे तो टेस्ट के टाइम को उन्होंने सिर्फ अपने नोट से पढ़ लिए होंगे, हो सकता है, वैसे भी हो सकता है। बट देखो ऐसा नहीं है कि ये गलत है या क्या है, ये सब एकदम सही होता है, परफेक्ट होता है। बट मेरी एक ही इच्छा है कि आप लोग सब वो लीगल लैंग्वेज में लिखने लग जाओ, और मैं वापिस से बोल रहा हूँ बच्चों, वो लीगल लैंग्वेज के चक्कर में ऐसे मत पड़ जाना कि आप वो रट्टम पट्टी करने लग जाओ, है ना? ये भी बड़ी खतरनाक बात होती है। क्या होता है जनरली, हम लोग अगर बहुत ही ज्यादा बोलूं मैं आपको लीगल लैंग्वेज लाओ, तो फिर बच्चे क्या करने लगते, फिर वो रटना चालू करते। हमको उस स्टेज में नहीं पहुंचना है। ओके, हाँ अगर आप इससे भी कंफर्टेबल हो जाते हो तो मैं मेरी तरफ से इतना ही ट्राई करूंगा कि इसमें हर एक वर्ड मॉड्यूल का ही निकल जाए। अगर आपको यह सिंपल जाता है तो फिर इससे भी हम सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं लॉ की लैंग्वेज के। बट मेरा एक ही पहले से क्या बोलना था, ये नोट्स आपके रेफरेंस के लिए रखो, और फिर क्या करना बच्चों, जैसे नोट्स से समझ गया, आई नो समझ जाता है इससे, लेकिन फिर इसी के बाद आप लोगों ने मॉड्यूल की रीडिंग कर लेना। तो मॉड्यूल का रीडिंग जब का तब कर लोगे ना, तो फिर वो चीजें आपके दिमाग में एकदम फिट बैठ जाएंगी, फिर वो कभी आपके दिमाग से नहीं निकलेंगे। और डेफिनेटली एक बात तो पकड़ के चलो, लॉ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसको बार बार रिविजन करनी पड़ती है, है ना? तो आप ये ऐसा कभी मत सोचना कि हमने एक बार याद करके बैठ गए, एक बार लर्न कर लिया तो हमको कभी भी कुछ याद आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मोटी मोटी बातें याद होती है, है ना? अब जैसे अब यहाँ पे एग्जीक्यूटर एग्जीक्यूटेड बोला होगा तो क्लिक हो चुका होगा, लेकिन फिर एग्जैक्ट वर्डिंग क्या रहेंगी वो याद नहीं होता है, और वो किसी को याद नहीं होता है, तो आपको वो लास्ट तक पढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? हाँ। फिर वो जब आप रिकरिंगली टेस्ट इतने सारे टेस्ट लेंगे, तो उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद मैकेनिकल हो जाता है, ऑटोमेटिक आपके हाथ लिखने लगेंगे। वो स्टेज आती है बच्चों, लास्ट टाइम के भी स्टूडेंट से जिनकी वो स्टेज आई है। ओके, हाँ, लेकिन वो कंटिन्यूअसली टेस्ट देने के बाद वो स्टेज आपके आएंगी, लेकिन आपके तरफ से भी इनिशिएटिव चाहिए कि मेरे को वो लैंग्वेज पे होल्ड करना है। एक टेस्ट जान दो, दो टेस्ट जान दो, तीन टेस्ट जान दो, और वैसे एक बात बोलो तो आप सच में सबके आंसर जो मैंने चेक किया ना, सबके काबिले तारीफ आंसर है। ओके, मतलब ऐसा किसी का भी नहीं लगा कि कुछ की कुछ वाहियात से वाहियात कुछ तो भी चीजें लिख रहा है, ऐसे मुझे कोई नहीं मिला। सबने बहुत अच्छा लिखा हुआ था। ओके, और बहुतों की ओन लैंग्वेज है, है ना? हाँ, थोड़े बहुत वर्ड्स लॉ के यूज किए, फिर थोड़ी बहुत अपनी ओन लैंग्वेज है। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ओन लैंग्वेज पे आने से, बट मैं हमेशा ट्राई करूंगा कि आपकी लैंग्वेज और निखर के आ जाए। ये जैसे जैसे आप लोग लॉ पढ़ते जाओगे ना बॉस, ये ऑटोमेटिक लैंग्वेज आपकी होने ही वाली अच्छी। बट एट प्रेजेंट कंसिडरिंग फर्स्ट यूनिट की जो आपने टेस्ट दी उसके हिसाब से जैसे आपने लिखा ना बॉस, वो सच में काबिले तारीफ है। आपने सबने बहुत अच्छा लिखा। बट एक ही बात ध्यान रखना, ये जो पढ़ाई की स्टाइल है यही आप लोग लास्ट तक कंटिन्यू करना। ओके, डेफिनेटली सबके बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। ठीक है, चल अब मुझे एक बात बताओ, हम लोगों ने फिर क्या बोला? एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन हो सकती है, और दूसरा कौन सी हो सकती है बताना? एग्जीक्यूटरी भी हो सकती है। एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन किसको बोलते हैं? जहां पे परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट हो चुका है ना, वेयर देयर वॉज परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट,
देन इट बिकम्स व्हाट एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन. और ये एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन होती है. ये कब होगी बताना, जब प्रॉमिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट होता है. मतलब क्या, आप प्रॉमिस कर रहे हो कि आप परफॉर्मेंस दोगे, मतलब आपकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं फ्यूचर डेट में होने वाली होगी कंसिडरेशन की, तो उसको आप लोग क्या बोलोगे, एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ठीक है, चल अब हम लोग थोड़ा सा और जाते हैं आगे. नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, वैसे तो एक दूसरा पॉइंट आएगा बट मैं उसको अभी के लिए स्किप कर रहा हूं, वो पॉइंट लास्ट में लूंगा. कंसिडरेशन निड नॉट बी एडिक्वेट. कंसिडरेशन निड नॉट बी वॉट एडिक्वेट. ओके, चलो मेरी बातें ध्यान से सुनना. देखो, हमने जो कंसिडरेशन का मीनिंग देखा था या वो लैटिन मैगजीन देखा था, वो क्या था, क्विड प्रो क्यो, दैट इज समथिंग इन रिटर्न. फोकस, समथिंग इन रिटर्न है ना, कुछ तो भी इन रिटर्न. ये इसका हिंदी में वर्जन हो जाएगा, मतलब आपने कुछ दिया तो आपको वापस से कुछ तो भी मिलना चाहिए, है ना. कुछ तो भी, बहुत कुछ की बात नहीं चल रही है, कुछ तो भी मिल गया, काफी हो गया, दैट बिकम्स योर कंसिडरेशन. बात समझ में आ रही है आपको? तो बोलने का मतलब क्या हो रहा है बच्चों, कि कंसिडरेशन इज जस्ट समथिंग इन रिटर्न. तो याद रखना, जरूरी कभी नहीं होता कि कंसिडरेशन एडिक्वेट ही हो. अब एडिक्वेट का मतलब क्या हो गया, मतलब उसकी वैल्यू इक्वल टू योर प्रॉमिस ही हो, ऐसा जरूरी कभी नहीं होता. बराबर. अब इसका मतलब क्या हुआ, प्लीज ध्यान से सुनना मेरी कुछ बातें. अब देखो, बात बहुत सीधी है. एक पर्टिकुलर घर है, देयर इज अ वन हाउस, वो आपके फ्रेंड का घर है या मान लीजिए कोई रिलेटिव का घर है. ओके, तो आपको वो परचेस करना था बिकॉज सामने वाले को बेचना था. अब क्योंकि वो आपका फ्रेंड या रिलेटिव होगा, तो आपने उसको बोला कि यार मैं क्या करना चाहता हूँ, ये पर्टिकुलर घर परचेस करना चाहता हूँ. तो आपने उसको पूछा इसकी वैल्यू कितनी है या कितने में बेचेगा, तो वो बोलता है कि यार देख इसकी तो वैल्यू मैं बाहर बेचने में निकाल रहा हूँ 25 लाख में. ये कितने में बेच रहा हूं मैं, 25 लाख में. ये किसने बोला, वो आपका रिलेटिव या फ्रेंड जो भी होगा, उसने आपको वैल्यू बता दी 25 लाख रुपीज की. अब आपने बोला यार ये 25 लाख तो बहुत ज्यादा हो जाते ना यार, अपन दोस्त है, अपन रिलेटिव है, उसका क्या. ओके, तो उसने बोला यार ठीक है जाने दे, देख बहुत पहले मैंने परचेस किया था, तो तब ये परचेस किया था मैंने 5 लाख रुपीज में. कितने में परचेस किया था, 5 लाख में. तो तू एक काम कर, मुझे तो 7 लाख रुपए देना और ये मैटर रफा दफा कर दे. ओके, अब प्रॉपर्टी के रेट आपको भी पता है ना, डे बाय डे इंक्रीज होते हैं. तो बहुत पुरानी प्रॉपर्टी थी, 5 लाख में उसने परचेस किया था बंगलो, जिसकी आज वैल्यू कितनी हो रही है, 25 लाख. और आपको वो कितने में दे रहा है बताना, आपको वो 7 लाख में दे रहा है. मतलब आप 7 लाख उसको दोगे, आपको वो 25 लाख के वैल्यू का घर आपके हाथों में होगा. अब एक बात बताओ, आपने पैसे दिए, आपको घर मिला, यहाँ कंसिडरेशन है कि नहीं है? जवाब है जी हाँ. बताओ क्या आपके 7 लाख रुपए वो घर के वैल्यू के बराबर है भी या नहीं? तो जवाब है घर की आज की वैल्यू 25 लाख है, उसका वैल्यूएशन 25 लाख निकल रहा है, जबकि आप लोग उसके हाथ में सिर्फ कितने दे रहे हो बताना, 7 लाख रुपीज दे रहे हो. बात समझ में आ रही है? आप सिर्फ उसको कितने दे रहे हो, 7 लाख रुपीज दे रहे हो. तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये होता है बच्चों कि ये जो आपने काम किया ये बड़ा ही खतरनाक काम किया. यहाँ पे आपकी कंसिडरेशन एडिक्वेट नहीं थी, है ना. एडिक्वेट कैसे नहीं है, अरे भाई 25 लाख का मकान आप लोग 7 लाख दे रहे हो, तो आपकी कंसिडरेशन एडिक्वेट है क्या? नहीं. एडिक्वेट कितनी रहती भाई, 25 से 1-2 लाख कम ज्यादा करते तो एडिक्वेट बोल सकते थे, है ना. लेकिन कहां 25 लाख और कहां पे आप लोग 7 लाख दे रहे हो, तो ये एडिक्वेट हुई क्या बताना, नहीं. लेकिन हमारे लॉ ने बोला है कि कंसिडरेशन एडिक्वेट नहीं भी रही तो भी चलेगा. क्यों? क्योंकि लॉ बोलता है समथिंग इन रिटर्न इज योर कंसिडरेशन. मतलब कंसिडरेशन के लिए जरूरी नहीं कि आपका जितना प्रॉमिस है या जितना वो पर्टिकुलर गुड्स की वैल्यू है या जो पर्टिकुलर चीज आप लोग ले रहे हो उसकी जितनी वैल्यू है उतनी ही कंसिडरेशन होना, ऐसा कहीं लॉ ने नहीं बोला है. लॉ तो भाई इतना ही बोलता समथिंग इन रिटर्न. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भोला भाला, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने इतना ही बोला क्या कि अगर भाई कुछ तो भी समथिंग इन रिटर्न मिल जावे तो ये बन जाएगी आपकी कंसिडरेशन. तो भले ही आपके पास 25 लाख का मकान आ रहा है और आप बदले में सिर्फ 7 लाख रुपीज दे रहे हो, तो भी ये कंसिडरेशन मानी जाएगी. इट विल बी अ वेरी मच वैलिड कंसिडरेशन, वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा.
बात समझ में आ रही है आपको? तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट दिस योर पर्टिकुलर कंसिडरेशन। तो एक चीज याद रखना, हमारे लॉ ने, हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने कहीं पे भी नहीं बोला कि कंसिडरेशन नीडेड टू बी एडिक्वेट। लॉ नहीं बोलता है कि कंसिडरेशन एडिक्वेट ही होना। तो याद रखना, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, मतलब एडिक्वेट नहीं भी रही तो भी चलता। 25 लाख के मकान के लिए 7 लाख दे रहे हो तो भी चलेगा, क्योंकि आप लोग समथिंग इन रिटर्न तो दे रहे हो ना बॉस। बात समझ में आ रही है? हाँ। लेकिन इसमें लॉ ने और एक एक बात बोल दी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी कुछ वैल्यू ही ना हो। आप समथिंग इन रिटर्न बोला तो आप बोलेंगे चलो सर 1 रुपए में दे देते, चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। देखो कंसिडरेशन इतनी कितनी भी तो चलेगी, है ना? आप कम भी देते हो चलता है, इनएडिक्वेट तो भी चलता है, बट इट शुड हैव सम लीगल वैल्यू, है ना? लॉ उसको रिकग्नाइज करना चाहिए कि भाई इतनी तो भी होनी चाहिए, है ना? आप एकदम ही गिरा के दोगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अरे भाई बिल्डिंग को आप लोग, अगर कोई पर्टिकुलर मकान 25 लाख का है और आप अगर 1000 रुपए में देने की बात कर रहे हो तो वो भी एडिक्वेट, एडिक्वेट तो नहीं है, लेकिन वैसे देखा जाए तो उसकी लीगल वैल्यू भी उतनी नहीं रहेंगी। अब आप पूछेंगे तो कितनी लीगल वैल्यू होती है, तो ऐसा कहीं परसेंटेज वगैरह कहीं नहीं लिखा, लेकिन सिर्फ आप इतनी बात याद रखना कि जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन एकदम ही इनएडिक्वेट रही तो काम नहीं बनेगा, ऐसा नहीं होता है। कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। हाँ, सिर्फ इतना ध्यान रखना है, इट मस्ट हैव सम लीगल वैल्यू ओनली। क्लियर हो गई बात? तो मैं यहां पे लिख देता हूं, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, हाउएवर इट मस्ट हैव सम लीगल वैल्यू या लॉ रिकग्नाइजेस सम वैल्यू। देखो ये जो वर्ड्स, देखो ये जो नोट्स है, ये मेरे ओन नोट्स है, है ना? ये तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप ये पढ़ के फिर वो जो मॉड्यूल का कंटेंट पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको मॉड्यूल का बहुत अच्छे से याद में आएगा। ओके, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं। इससे सिर्फ आपको पॉइंटर अगर कभी भूल चुक के कल चल के याद नहीं आया तो आप लोग ये पॉइंटर देख के समझ सकते हो कि इसके अंदर क्या छुपा है, ठीक है? ये देखने के बाद फिर आपने उससे लर्न करने की कोशिश करना, ठीक है? अब देखो ये मैं ऐसे लिखता हूं, ये भी स्पेशल कैरेक्टर हो जाता है, ये सिर्फ ऐसे डॉटेड आप नंबरिंग करते हो। ये तो मैं जब अपने नोट्स में डालता हूं जिससे वो थोड़ा पढ़ने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन कभी भी पेपर में ऐसे नहीं डालना। अब जैसे सेजल ने डाला था यहाँ पे, वो स्टार मार्क कर देती है, तो ये काम आप लोग मत किया करो, और इवन ये एरोज भी मत दिया करो। क्यों? क्योंकि पेपर के स्टार्ट में जो आंसर शीट होती है उसके स्टार्ट में जो इंस्ट्रक्शन बॉक्स होता है वहीं पर लिख के आता है कि स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड। ऐसे एरोज हो गया, फिर आपका स्टार मार्क हो गया, ये आप लोग वहां पे यूज नहीं कर सकते। तो इसके प्लेस पे क्या करेंगे, यहाँ पे नंबरिंग दे देंगे 1 2, फिर अंदर आए तो 2 में वापिस से 1 2 चालू नहीं करना। कुछ कुछ के मैंने पेपर्स देखा था तो कुछ कुछ बच्चों ने किया कि यहाँ पे मान लो 2 नंबर आए तो यहाँ पे वापिस से 1 2 पॉइंट लिखने, तो 1 2 ऐसा लिख दिया। तो ऐसा मत लिखो ना, यहाँ पे अगर न्यूमेरिकल है तो यहाँ पे अल्फाबेट्स ले लो, मतलब यहाँ पे 2 नंबर आया तो यहाँ पे ABC ऐसे डाल सकते हो आप लोग, है ना? कुछ अच्छी बात है, प्रेजेंटेशन वाइज काफी बच्चों का अच्छा था, तो आप ऐसे कुछ चीजें और इम्प्रूव कर सकते हो। डेफिनेटली आप लोग सब चीजें ध्यान में रखोगे, ठीक है? तो क्या बोल रहा हूं मैं, कंसिडरेशन जरूरी नहीं है कि एडिक्वेट ही होना, हाउएवर इट मस्ट हैव सम लीगल वैल्यू। लॉ के हिसाब से इसको कुछ वैल्यू भी होनी चाहिए। ओके, इट मस्ट नॉट बी इक्वल टू द प्रॉमिस। ओके, मतलब क्या हुआ, जो आपका प्रॉमिस है उसके इक्वल भी ये वैल्यू होना वो भी जरूरी नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया घर कितने लाख का, 25 लाख का, लेकिन आप उसको कितना दे रहे हो, 7 लाख। चलता कि नहीं चलता है? चलता, क्योंकि मैंने क्या बोला, वो जितने का प्रॉमिस है या जितने का आपको चीज मिल रही है या जितने की परफॉर्मेंस आपको मिल रही है, प्रॉमिस के बदले आप यहाँ पे परफॉर्मेंस भी लिख सकते हो, दोनों वर्ड यहाँ पे यूज किए उन्होंने, तो आप ध्यान रखना। तो जितने का परफॉर्मेंस मिला जरूरी नहीं है मैं उतने का ही उसको कंसिडरेशन भी दू। परफॉर्मेंस मतलब अब घर मुझे 25 लाख का मिला तो जरूरी नहीं कि मैं 25 लाख ही दू, मैं 7 लाख भी देता हूं तो भी चलेगा। क्यों? समथिंग इन रिटर्न। लेकिन आप इतना तो
इतना तो भी दो जिसको लॉ कुछ लीगल वैल्यू डिसाइड कर सकता है, उतना तो भी आपको देना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज का ध्यान रखना। तो जरूरी नहीं है कि जितने का परफॉर्मेंस हुआ या जितने का प्रॉमिस था उतने की ही कंसिडरेशन हो, ये कभी जरूरी नहीं होता, ठीक है। लेकिन अब इसमें और एक एक बात ध्यान में रखने जैसी है। कौन सी बात ध्यान में रखनी है? देखो, ये तब तक ही वैलिड मानी जाएंगी, मतलब आप यहां पे क्या बोल रहे हो, इट नीड नॉट बी एडिक्वेट, चलता है, एडिक्वेट नहीं भी रही तो भी चलेगा। लेकिन ध्यान में रखो, ये तब तक चलेगा जब तक सामने वाले का कंसेंट फ्री कंसेंट है। याद आ रहा है फ्री कंसेंट? व्हाट आई एम टेलिंग हियर, अब जैसे सिंपली पहले एग्जांपल से देखते फिर उसको कोरिलेट करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं सुनो ध्यान से। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, मतलब मैं आपका 25 लाख का बंगलो ले रहा हूं या जो भी आपका हाउस है वो मैं परचेस कर रहा हूं, बट मैं आपको दे रहा हूं कितना है, 7 लाख। तो ये इन एडिक्वेट कंसिडरेशन तो है, मैं भी मानता हूं, बट लॉ बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं, इन एडिक्वेट रहा तो भी चलता, वैलिड रहेगा कॉन्ट्रैक्ट। मगर कब? अगर सामने वाले का कंसेंट फ्री कंसेंट होता। बात समझ में आ रही है आपको? तो सीधी सी बात है ना, मैं आपका 25 लाख का मकान अगर आपको मैं 7 लाख रुपए दे रहा हूं और आप भी अगर मान रहे हो और आपका कंसेंट फ्री कंसेंट था, तब जाके वो वैलिड कंसिडरेशन मानी जाएगी। नहीं तो भाई, 25 लाख का मकान है, मैं आपका गला दबा रहा हूं, गला दबा के बोल रहा हूं देखिए 7 लाख में तू मुझे ट्रांसफर कर रहा है, ऐसे एग्रीमेंट पे साइन कर, लेकिन आपका गला दबाया हुआ है, मतलब मैं आप पे कोर्जन कर रहा हूं। तो मुझे एक बात बताओ, अब आपने तो साइन कर दिया, बट वेदर योर कंसेंट वॉज फ्री और नॉट, तो जवाब है तुम्हारा कंसेंट यहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं था। तो फिर वो कंसिडरेशन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाएगी क्या? नहीं, फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकती। आपको भी पता है कि वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। और पार्टी अलेजेस, मतलब आप चिल्लाने लगे भाई मेरा तो कंसेंट फ्री नहीं था, मेरा गला दबा के इसने 25 लाख का मकान 7 लाख में करवा लिया अपने नाम पे, तो आप अगर ऐसा अलेज करते हो तो सीधी सी बात है यू आर अवॉइडिंग द कॉन्ट्रैक्ट, एंड इफ यू अवॉइड द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तो वो आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। आई होप आप भूले नहीं होंगे, ठीक है। मैं अगर कोर्जन करूं और 25 लाख का मकान 7 लाख में मेरे नाम करवा लूं, तो आप बताओ आपके ऊपर मैंने क्या कर दिया? कोर्जन कर दिया। तो आपने वो जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया वो कौन सा बन गया? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बना। अब वहां पे मैं नहीं बोल सकता कि कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। ये मैं कब तक बोल सकता था? जब तक प्यार मोहब्बत में आप लोग भी मान रहे थे, मैं भी मान रहा था, तब की बात अलग थी। ओके, आप मतलब वहां पे बोल रहे हो कि ठीक है यार 5-7 लाख में करना है क्या तुम्हारे नाम पे, तो कर देता हो या कर देते हो। तो आपने आपकी खुशी खुशी क्या कर दिया, 7 लाख में मेरे नाम कर दिया, तो मैं बोलूंगा कि मेरी कंसिडरेशन वैलिड कंसिडरेशन थी। तो वहां पे ये पॉइंट आएगा नीड नॉट बी एडिक्वेट। तुम भी बोल सकते हो, मैं भी बोल सकता हूं, भाई कंसिडरेशन जरूरी नहीं है कि एडिक्वेट होना। बट अगर मैं तुम पे कोर्जन करूं और आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के लू 7 लाख में, और कल चल के आप जाके कोर्ट में बोलते हो कि मेरा कंसेंट फ्री नहीं था, तो मुझे एक बात बताओ, वो वैसे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन गया था, और जैसे आप कोर्ट में जा रहे हो मतलब आप सेट असाइड कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट को, मतलब आप रिसाइंड कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट को, और कॉन्ट्रैक्ट रिजाइंड हुआ रे हुआ, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट रिजाइंड हुआ रे हुआ, तो तुमको भी पता है कि होने क्या वाला है, कॉन्ट्रैक्ट विल बी बिकमिंग वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इज दैट क्लियर? तो ध्यान रखना, ये तब तक ही सब तक चलेगा जब तक आपका कंसेंट फ्री कंसेंट रहेगा। क्लियर हो गई बात सबको? तो यहां पे लिखेंगे इफ कंसेंट इज फ्री, कंसेंट इज फ्रीली गिवन, देन इवन इफ वैल्यू इज या कंसिडरेशन इज इनएडिक्वेट, consideration is inadequate, it will form a valid contract, या फिर ऐसा लिख सकते हैं it will not form void contract। आप बोलेंगे सर यहां पे void contract form नहीं करेगा, ऐसा क्यों लिखा, यहां पे voidable लिख दो। तो बच्चों आप समझो ना, अगर मान लीजिए कल चल के आप resign कर देते हो,
तो सीधी सी बात है वो क्या बनेगा, वर्ड बनेगा। तो वर्डिंग क्योंकि मॉडल में वैसी है इसलिए मैंने ऐसी वर्डिंग डाल दिया, ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या हुआ, ये तीन पॉइंट यहाँ पे हुए कि कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, जरूरी नहीं है कि मेरी कंसिडरेशन एडिक्वेट ही होना, इन एडिक्वेट भी रही तो भी चलता है, लेकिन अगर सामने वाले का कंसेंट फ्री है तब चलेगा, तब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं बनेगा। नहीं तो अगर मैं कंसेंट फ्रीली ना लू तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बनेगा, लेकिन फिर आप अगर कोर्ट में जाओगे तो वो वॉइड बन जाएगा क्योंकि आपने उसको सेट असाइड कर दिया है, रिजाइन कर दिया है। क्लियर हो गई बात सबको, ओके। और दूसरी एक बात हमने क्या देखा, इट मस्ट नॉट बी इक्वल टू द प्रॉमिस और परफॉर्मेंस। जितना आपका प्रॉमिस या परफॉर्मेंस किया, जरूरी नहीं है कि उतनी ही कंसिडरेशन होना, उससे कम भी रही तो चलता है। लेकिन वही बात वहां पे क्या होना चाहिए, उसको कुछ ना कुछ लीगल वैल्यू होनी चाहिए, जो लॉ रिकॉग्नाइज करेगा उतनी तो भी उसको वैल्यू होनी चाहिए। बात समझ में आ गई आपको, तो आप फटाफट इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो बच्चों हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट इसेंशियल एलिमेंट है हमारे कंसिडरेशन में, परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट, वन हु इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, ओके। अब ये क्या चीज है, प्लीज ध्यान से सुनो। अब देखो बच्चों, अगर मान लीजिए कोई बंदे की लीगल ड्यूटी है कोई परफॉर्मेंस करने की, और आप उसकी उस परफॉर्मेंस के लिए भी उसको अगर पैसा देते हो, कंसिडरेशन देते हो, तो वो वैलिड कंसिडरेशन नहीं रहेगी। मैं वापिस से रिपीट करता हूं, अगर कोई बंदे को लीगल ड्यूटी दी गई है कोई एक्ट करने की, कोई काम करने की, और आप वही काम करने के लिए उसको फिर से पैसा दे रहे हो, तो वो कभी भी वैलिड कंसिडरेशन नहीं मानी जाती, ओके। ऐसे कई एग्जांपल आपको दे सकता हूं, सुनो। जैसे मान लीजिए आप लोग पुलिस स्टेशन में चले गए, किससे आपका पंगा हो गया, मारा कोटी हो गई आपकी, ठीक है। तो आप पुलिस स्टेशन जा रहे हो, अब वहां जाके आप लोग FIR फाइल कर रहे हो। अब देखो उनका काम है FIR वगैरह लिख के लेना, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो लिखने के लिए भी आपसे एडिशनल चार्जेस मांग लिए। अब भाई यही सब चीजें FIR वगैरह लॉन्च करने के लिए, फिर आपकी हेल्प करने के लिए, तो गवर्नमेंट उनको सैलरी दे रही है पुलिस वालों को, सीधी सी बात है ना। बट फिर भी आप लोग उनको और पैसे दे रहे हो, तो आप जो उनको पैसा दे रहे हो वो किस चीज के लिए दे रहे हो, परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। वो पुलिस ऑफिसर ऑलरेडी काय के लिए बाउंड था बताना, वो परफॉर्मेंस करने के लिए बाउंडेड था, उसको लॉ या मैं बोलूंगा उसको तो भाई पहले से सैलरी मिलती है गवर्नमेंट से, काय के लिए, वो परफॉर्मेंस करने के लिए। और वही परफॉर्मेंस के लिए आप और फर्दर पैसा देते हो, तो ये क्या बन जाएगी, वैलिड कंसिडरेशन नहीं बनेगी। तो हमेशा याद रखना, जो बनता है जो काम करने के लिए ऑलरेडी लीगली बाउंड होता है ना, वो लीगल ड्यूटी होती है उसकी वो काम परफॉर्म करना, और उसी काम के लिए अगर आप लोग पैसा देते हो तो वो आपकी वैलिड कंसिडरेशन कभी भी नहीं रहेंगी। इस बात का आप लोग प्रॉपर ख्याल रखना, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये तो एक एग्जांपल दिया आपको पुलिस वाला, इससे शायद आपको और भी समझा होगा। दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ, देखो बहुत बार क्या हो जाता है, अब आपके आपके साथ में कभी हुआ कि नहीं हुआ ये आई डोंट नो, बट हमारे यहाँ पे तो एक दो बार हो चुका है, ओके। अब मैं जिस पर्टिकुलर कॉलोनी में रहता हूँ वहां पे एक दो बार ऐसा हो गया बच्चों, सबकी लाइट्स है बट हमारी ही लाइट नहीं है, ठीक है। अब एक बार तो ऐसा हो गया था कि मॉर्निंग से लाइट गई थी और सिर्फ हमारी गई थी, बाकी किसी की नहीं गई एरिया में। बट मॉर्निंग में इतना आपको समझ में आता भी नहीं है, अपनी लाइट गई तो अपन भी सोचते यार सबकी गई होंगी, ओके। बट हुआ ऐसा प्रॉब्लम शाम तक, फिर समझ में आने लग गया कि यार बाहर लाइट चल रहे हैं, ओके, आजू बाजू देख रहे तो सबके लाइट्स हैं, सिर्फ अपनी लाइट नहीं है। तो फिर तब एक चीज क्लिक हो गई कि यार ये कुछ तो भी उल्टा हो गया काम, ये शायद मॉर्निंग से सिर्फ अपनी लाइट नहीं है बाकी सबकी लाइट है। अब करे तो क्या करे, MSCB में फोन लगाया कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ओके। तो बंदा बोलता है कि आओ यहाँ पे कंप्लेन लिखो और हम हमारा एक बंदा भेजेंगे, ओके। तो फिर वो ऑलमोस्ट शाम के 6 बजे थे, तो मैं वहां पे गया कंप्लेन लॉन्च करने के लिए, 6 भी नहीं 7 बज गए होंगे और तब ठंडी के दिन थे, ओके। तो मैं चला गया कंप्लेन लॉन्च करने के लिए और बंदे को बुला कि चलो भैया ये पर्टिकुलर देख लो क्या प्रॉब्लम हुआ है क्या नहीं,
तो वो आने के लिए नाटक करने लग गया, बंदा बोलने लग गया कि भाई हम नहीं आते, शाम हो गई है, शाम के बाद हम नहीं आने वाले। तो मैं बोला यार ऐसी क्या बात हो गई, तो वो बोलते है देखो तुम्हारी साहब तुम्हारी जो कॉलोनी है उसकी डीपी एक जंगल में है, अब हमारे यहाँ पे अगर देखोगे तो बहुत सारा ऐसी खुला आसमान ये झाड़ पेड़ पौधे बहुत दिखेंगे, जहाँ सांपों वापों के घर आपको नॉर्मली नजर आ जाएंगे। ओके, तो बंदे ने बोला कि यार वो एरिया में ऐसे एरिया में आपकी वो डीपी है जहाँ पे ये सब प्रॉब्लम होती है, सांप घूमेंगे ये घूमेंगे और पूरा जंगल जैसा ही है। ओके, अब प्रॉब्लम ये हो गई लाइट्स होती नहीं, इन्वर्टर वगैरह भी कितने देर तक दम मारेगा, बात समझ रही ना आपको। तो अकॉर्डिंगली मैंने उसको बोला यार देखो भाई अब जो होता है करो लेकिन ये काम तो कर दो। अब हुआ इसे वो बंदे ने बोला मैं आऊंगा तो जरूर लेकिन मैं 500 रुपए लूंगा, 500 रुपीज चार्ज करूंगा। मैं बोला भाई अभी तो भाई तू ही मालिक, चल ले 500 के 1000 ले ले आ जाना, डेफिनेटली उसको बोला नहीं 1000 ले ले, उसने मुंह से 500 बोला तो डेफिनेटली अपन तो कम ही देने वाले थे। ओके, बट जो भी है अब बात समझो, वो आया उसने पूरा सब कुछ ठीक किया, कुछ नहीं एक वो खंबे पे चढ़ा एक बंदा, एक ने डीपी पकड़ी, डीपी से लाइट वाइट कम कर दी सबकी एंड अकॉर्डिंगली रिपेयरिंग करके मस्त भाई की लाइट ला दी। ओके, अब मैंने तो दिए 500 रुपए की जगह 400 दे दिए। ओके हाँ, बट काम सेटल कर दिया। अब एक बात बताता हूं मैं आपको, उस बंदे ने बोला कि अगर आप शाम को नहीं अगर 6 के पहले बोलते ना तो हम तो आके फ्री में काम करके जाते, पर तुम 6 के बाद आए ना इसके लिए हमने तुमको क्या किया बताना, ये ज्यादा का हमने तुमसे पैसा चार्ज किया। तो मैं बोला यार ये क्या बात हुई, तो वो बोलता है कि ये जो सर्विस है ना ये हमारे MSCB से फ्री में दी जाती है, मतलब कल चल के अगर तुम्हारे घर की ही लाइट ना हो बाकी सबकी हो तो अगर आपको MSCB से किसको बुलाना है तो वो आपको वैसे फ्री में सर्विस देने के लिए लाइबल होते हैं। क्यों? क्योंकि MSCB उन लोगों को पेमेंट इसी के लिए देती है कि कल चल के किसी के घर में ऐसी प्रॉब्लम हो जाए कि भाई तुम जाना और जाके ये मैटर सॉल्व करके आना, तो इसके लिए तो MSCB इनको क्या देती है, पैसे देती है। ओके, तो ये मैंने जो यहाँ पे कंसिडरेशन दी तो आपको नहीं लगता वन हु इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म हिज वर्क, मतलब वो बंदा खुद का काम करने के लिए बाउंड था, लीगली उसकी ड्यूटी ही थी वो काम करने की, बट मैंने उसको क्या दिया बताना, पैसे दिया, तो वो कंसिडरेशन वैलिड कंसिडरेशन रहेगी का? जी नहीं, वो कंसिडरेशन वैलिड कंसिडरेशन नहीं मानी जाती है। तो बोलने का मतलब ये हुआ अगर किसी पर्सन की पहले से ड्यूटी है, ही इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म सर्टेन एक्ट, और उसी एक्ट को करने के लिए आप लोग उसको पैसे देते हो तो वो क्या माना जाएगा बताना, वो आपकी वैलिड कंसिडरेशन नहीं मानी जाएगी। लेट्स से कोई एक टीचर है स्कूल में अगर पढ़ाता है कोई टीचर, ओके, तो आप उसी को जाके पैसे देते हो काहे के लिए, भाई तू अच्छे से पढ़ा उसके लिए, मेरे को एक बात बताना, उसको ऑलरेडी स्कूल क्या कर रही है, पैसे तो दे दिए, आप फर्दर पेमेंट करते हो और अच्छे से पढ़ा दो तो ये बता देना, ये भी वही बात होगी। द पर्सन हु इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, आप उसको ही जाके और क्या दे रहे हो, पैसे दे रहे हो, वो कंसिडरेशन कभी भी वैलिड नहीं होती। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखना, अगर कोई बंदे को आप लोग पैसे दे रहे हो कोई एक्स्ट्रा का काम करने की, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर कोई बंदे को पैसे दे रहे हो कोई एक्स्ट्रा का काम करने की, तब मान के चलना आप अगर उसको एक्स्ट्रा कंसिडरेशन भी दोगे तो भी वो वैलिड कंसिडरेशन मानी जाएगी। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब मैं मेरा वापस से किस्सा बताता हूँ क्या हुआ। अब जैसे मैंने बताया शाम के टाइम को लाइट्स गई थी, बंदे को 500 रुपए दे दिए, हालांकि मैं खुद मानता हूं वैलिड नहीं था, क्यों? क्योंकि उसकी तो ड्यूटी थी ना वो काम करना, बट फिर भी मैंने उसको पैसे दे दिए। ओके, क्यों? अपनी जरूरत थी ना बॉस, तो अपन ने जरूरत निकाल ली। ओके, अब कुछ दिन के बाद, अब लेट से 6-7 महीने हो गए, उसके बाद वापस हमारे घर पे प्रॉब्लम हुई, वापस से वही सिनारियो, यहाँ पे गई बाकी सब की है, बट तब तक हमारे घर में सब लोग अलर्ट हो चुके थे कि भाई ऐसा भी हो रहा है कभी कभी, किसी को अपनी जा रही उनकी नहीं जा रही, वापिस से देखा तो वापिस से वही प्रॉब्लम हो गई, सबकी है अपनी नहीं है। फिर अकॉर्डिंगली वापिस से वो MSCB में डाली फाइल, मतलब कंप्लेंट डाली, लेकिन वो जो कंप्लेंट डाली थी वो मैंने थोड़े से अर्लियर स्टेज पे डाल दी, मतलब शाम के पहले डाल दी। अब तो बोला भाई अब इसको तो आना पड़ेगा, फोकट में काम करके जाना पड़ेगा, क्योंकि उसने तो लास्ट टाइम रास्ता बताया था। बंदा आया और बंदे ने बोला साहब देखो प्रॉब्लम क्या है। मैं पूछा यार बार बार हमारे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसने बोला देखो तुम्हारे जो वायर है ना ये बहुत पुराने हो चुके हैं, ठीक है, तो ये वायर की वजह से ये बार बार लूज कनेक्शन हो रहा है, ये सटक जा रहे हैं और इसी की वजह से सिर्फ तुम्हारा प्रॉब्लम होते जा रहा है। बोला ठीक है फिर क्या करना पड़ेगा, तो बोलता है साहब वायर बदल दो। तो मैंने बोला ठीक है भाई बदल लेंगे, तू बदल देगा? तो बोलता है हाँ बदल दूंगा।
लेकिन उसने वापस से बोला मैं इसका एक्स्ट्रा चार्ज लूंगा। मैंने बोला यार तू तो बोल रहा था ये सारी सर्विस फ्री है तो अब एक्स्ट्रा चार्ज खाए के। वो बोलता है सर वायर बिठाना है। मैं बोला ठीक है ना वायर मैं तेरे को लाके दूंगा तू बिठा देना। तो बोलता है देखो साहब अगर मान लो सिर्फ अगर आपकी सिर्फ लाइट जाती मैं कनेक्शन दुरुस्त करके आता तो उसके लिए मैं लीगली बाउंड टू परफॉर्म हूं। डेफिनेटली इतनी अच्छी लैंग्वेज में नहीं बोला उसने, तो ऐसे बोला वो काम मेरा होता है लेकिन ये वायरिंग वगैरह चेंज करना ये मेरा काम नहीं है, बट फिर भी मैं आपको करके दे दूंगा ये वाला पर्टिकुलर काम, तो इसके लिए लेकिन मैं एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने वायर लाके दिया और बंदे ने वो फिटिंग क्या कर दी बताना, वायर की कर डाली। अब यहां पे जो मैंने उसको कंसिडरेशन दिया ना बच्चों, ये कंसिडरेशन डेफिनेटली वैलिड कंसिडरेशन रहेंगी। क्यों? क्योंकि बात समझो, ये जो एडिशनल मैंने कॉस्ट दिया इसके लिए वो लीगली बाउंड टू परफॉर्म नहीं था, मैंने जो वो लीगली बाउंड टू परफॉर्म था उसके ऊपर काम करने को बोला, उससे ज्यादा काम करने को बोला, तब जाके वो हमेशा क्या बनेगी, वैलिड कंसिडरेशन बनेगी। ओके, तो एक बात क्या समझे आपको, अगर मान लो आप किसी को पैसे देते हो फॉर द एक्ट विच ही इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, अगर वो लीगली बाउंड टू परफॉर्म है उस पर्टिकुलर एक्ट को और उसके लिए पैसा देते हो तो वो वॉइड रहेगा, वो कंसिडरेशन वैलिड नहीं रहेगी। लेकिन अगर कोई बंदे को आप ओवर एंड अबव हिज ड्यूटी उसके ड्यूटी के ऊपर काम करने बोलो और फिर उसको अगर पैसा दो तो वो वैलिड कंसिडरेशन रहेगी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ओके, तो चलो हम लोग यहां पे लिख देते हैं, it will not be a valid consideration but if consideration is paid for performing more than which he legally bound to perform, then it will be a valid consideration. It will be a valid consideration. ठीक है, तो बोलने का मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए आप उतना ही परफॉर्म कर रहे हो जितना लीगली बाउंड टू परफॉर्म है और उसके लिए पैसा दे रहे हो तो वो आपकी वैलिड कंसिडरेशन नहीं रहेगी, बट अगर आप कंसिडरेशन पे कर रहे हो फॉर परफॉर्मिंग मोर देन विच ही लीगली बाउंड टू परफॉर्म, मतलब वो जो लीगली बाउंड टू परफॉर्म जितना था उससे ज्यादा परफॉर्मेंस के लिए आप अगर पैसा दे रहे हो तो फिर वो डेफिनेटली क्या बनने वाला है बताना, आपका वैलिड कंसिडरेशन बनेगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ठीक है, चलो मैं आगे, इसके बाद में कंसिडरेशन रियल होनी चाहिए और इलूजरी नहीं होनी चाहिए, काल्पनिक नहीं होनी चाहिए, है ना, हाइपोथेटिकल नहीं होनी चाहिए। जैसे कंसिडरेशन रियल किसको बोलेंगे, जैसे आप लोगों ने सेलफोन दिया मैंने आपको पेमेंट किया, या सॉरी मैंने आपसे सेलफोन दिया और आपको पेमेंट किया, तो ये क्या हो गई, रियल कंसिडरेशन हो गई, आपसे मुझे सेलफोन मिला मैंने आपको पेमेंट किया, दिस इज रियल कंसिडरेशन। इट मस्ट नॉट बी इलूजरी। इलूजरी का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर बाबा घूम रहा है, ओके, अब वो बाबा ने क्या बोला कि आपका मान लीजिए 1 ग्राम ऑफ गोल्ड अगर मुझे दोगे तो मैं उसको 2 ग्राम गोल्ड बना दूंगा। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, अरे ये मजाक नहीं कर रहा हूं, जो लोग ये मोदी खाना वगैरह साइड में रहते होंगे तो उनको पता होगा कि ऐसा मैटर हुआ था, आज के 3-4 साल पहले हुआ था, अपने जानना की बात है। ओके, तो क्या था कि भाई तुम मुझे अगर 1 ग्राम गोल्ड दोगे तो मैं 8 दिन तक मेरे पास रखूंगा, उसके बाद में आपको 2 ग्राम गोल्ड मिल जाएगा। ओके, तो ये जो ऐसी आप लोग कंसिडरेशन बोल रहे हो तो ये इलूजरी कंसिडरेशन है। या फिर आपको कोई बोलता है
कि आप मुझे लाख रुपए दो, मैं आपको 5 लाख का खजाना ढूंढ के देता हूँ, है ना। मैं मैजिक से क्या करूंगा, 5 लाख का खजाना ढूंढ के दूंगा। तो मुझे एक बात बताओ, ये भी क्या हो जाएगी बताना, कंसिडरेशन इलूजरी बन जाएंगी, है ना, इट मस्ट बी रियल। और एक बात बोलो तो, जैसे मरे हुए को जिंदा करना है ना, 5,000 दे दो मैं मरे हुए को जिंदा करता हूँ, मुझे एक बात बताओ, ये भी तो आपकी कैसी कंसिडरेशन हो गई, इलूजरी कंसिडरेशन बन जाएगी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। तो बच्चों, ये जो ऐसी टाइप की कंसिडरेशन रहेंगी, ये कभी भी वैलिड कंसिडरेशन नहीं रहेंगी। तो बोला क्या गया है, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल, ये हमेशा रियल होनी चाहिए एंड नॉट इलूजरी, ये इलूजरी नहीं चाहिए। क्लियर? ओके, अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल कॉमा अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, और इमोरल। अब देखो, एक बात और बता दूं, ये सब चीजें अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, इमोरल, अनलॉफुल, ये सब चीजें हमको यूनिट नंबर 3 में आएगी। ओके, यूनिट नंबर 3 में ये सब चीजें बहुत डिटेल में आएगी, बट मैं फिलहाल के लिए आपको बता दूं कि ये एग्जैक्टली होती क्या है। कंसिडरेशन अनलॉफुल नहीं होना, मतलब आप किसी को मारने के लिए सुपारी ले रहे हो, ओके, तो आप क्या करोगे, किसी को मारोगे, बदले में आपको मिलेगा पैसा। तो ये जो कंसिडरेशन हो गई, ये इमोरल हो गई, अनलॉफुल हो गई, तो ऐसी कंसिडरेशन नहीं चलेगी, ये वैलिड कंसिडरेशन नहीं होती है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, है ना। तो ये बाकी बहुत डिटेल में 3 नंबर में आएगा, इसके तो एग्जांपल है, इमोरल क्या क्या होता है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी क्या होता है, इनके एग्जांपल्स आपको यूनिट नंबर 3 में देखने हैं, बट फिलहाल के लिए उसको क्या करेंगे, सिर्फ होल्ड पे रखेंगे। क्लियर हो गई बात सबको? तो देखो, अब हमने कितने एसेंशियल एलिमेंट देखे यहाँ पे, परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। ये हम लोग अगर पहले से रिवाइज करते आए, तो सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, आपने बोला था कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ होम प्रोमिसर, प्रोमिसर के डिजायर पे कंसिडरेशन होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमने क्या बोला, कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, तो थर्ड पार्टी से भी कंसिडरेशन आपकी क्या हो सकती है, मूव हो सकती है। फिर इसके बाद में हमने आगे जाके देखा था एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन जिसमें क्या होती है बच्चों, जब कंसिडरेशन आपकी परफॉर्म हो गई तो उसको आप लोग क्या बोलने वाले हो, एग्जीक्यूटेड, परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट हो गया तो उसको बोलने का एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन। एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन किसको बोलेंगे, प्रोमिसेस टू परफॉर्म एन एक्ट, तो आप प्रोमिस कर रहे हो कोई एक्ट करने के लिए फ्यूचर में, तो वो क्या बन जाएगी आपकी, एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। फिर इसके बाद हम लोग एक बात और देखे थे, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, कंसिडरेशन एडिक्वेट ही होना, ऐसी कोई जरूरी होती है क्या बताना, कोई जरूरत नहीं होती है। तो मतलब वो 25 लाख के मकान के लिए अगर मैं 7 लाख दूं तो चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा, लेकिन सामने वाले का कंसेंट भी फ्री होना चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको? ओके, फिर ये होने के बाद हम लोग और थोड़ा सा आगे गए और वो देखा कि परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन लीगली बाउंड टू परफॉर्म, अगर कोई एक बंदा लीगली बाउंड टू परफॉर्म है कोई एक्ट, उसको कंपल्शन है वो एक्ट करना, बाउंड का मतलब होता है कंपल्शन, है ना, उसके ऊपर कंपल्शन है कोई एक्ट करना, और फिर भी वो उसके लिए पैसे चार्ज कर रहा है, तो वो कभी भी वैलिड कंसिडरेशन नहीं रहेंगी। हाँ, लेकिन आप उसके कुछ ऊपर के काम के लिए पैसे दोगे तो फिर वो जाके आपकी वैलिड कंसिडरेशन बन सकती है। ओके, फिर इसके बाद आपने क्या देखा, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी। मतलब क्या हो गया, आप बोलोगे मैं मरे हुए को जिंदा करके बताऊंगा, 5,000 देना, चलेगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि ये रियल होनी चाहिए, इलूजरी नहीं चाहिए। फिर इसके बाद आपने देखा कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, अनलॉफुल नहीं चाहिए, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं चाहिए, या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, इमोरल, ये सब चीजें थर्ड यूनिट में आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। सिर्फ इतना समझो, आप किसी को उड़ाने की सुपारी लेते हो, मतलब किसको उड़ाओगे तो आपको पैसा मिलेगा, तो ये कंसिडरेशन अनलॉफुल मानी जाएगी। इज दैट क्लियर? ओके, तो आप फटाफट नोट करो, फिर हम लोग बस एक लास्ट पॉइंट देखेंगे और ये पूरे जो एसेंशियल एलिमेंट्स है ये हमारे फिर यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, और यूनिट में फिर सिर्फ हमारे 2 टॉपिक बचेंगे एंड आफ्टर दैट आवर यूनिट विल गेट कंप्लीटेड। ओके, चल फटाफट इतना नोट कर लीजिए।